वेल, आप सभी का स्वागत है होटल मिलन की टीम की तरफ से और मेरे मीडिया के दोस्तों, अपने लिए तो ताली बजा ही सकते हो इससे पहले हम ट्रेलर देखें। अक्सर मुंबई के कई इलाकों में आप देखते होंगे, चाहे यारी रोड का इलाका हो, बीच का इलाका हो, इश्क फरमाने के लिए आपको अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं। सूर्यास्त का इंतज़ार करना पड़ता है, जिशान भाई ने बोला कि मलाड बैक रोड, या फिर जब आप भेंड्रावल्ली से लिंक की तरफ जाते हो तो बहुत सारी बाइक्स भी खड़ी होती हैं। सो कुछ ऐसा ही इश्क फरमाया गया है होटल मिलन में। किस तरह का इश्क है और होटल से कितनी जुड़ी यादें हैं, शायद इस फिल्म का जो ट्रेलर है पहले ही फ्रेम में आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार ये ट्रेलर आप तक क्यों पहुंचा गया है। विशाल, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि कभी कॉफी विद टी तो टी वाले आपको फोन करते हैं, कभी पहले फ्रेम से देखें तो मुख्यमंत्री साहब ने कुछ कहा और उस कहे पर आपने कुछ जिक्र किया अपनी फिल्म के हिसाब से, तो कितना कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं जब आप सब्जेक्ट चुनते हैं? नहीं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता, मतलब दाऊद गरीब आदमी है, कराची में रह रहा है, ये कंट्रोवर्शियल नहीं, फनी है। और काम सूत्र और खजुराहो और रासलीला के देश में लड़के लड़के हाथ में पकड़ सकते हैं, ये बहुत फनी और दुखद है, इसमें कोई कंट्रोवर्शियल होने की बात नहीं मेरे ख्याल से। तो जब आपने ये सब्जेक्ट लिया, क्या वजह थी और किस समय आपने चुना कि बॉस ये फिल्म बनानी है? ऑब्वियसली हमें दो तीन स्क्रिप्ट हमारी तैयार थी, जब हरीश भाई से मिले, हरीश भाई बहुत पुराने दोस्त हैं हमारे, तो हरीश भाई को मैं दो तीन सब्जेक्ट्स पिच किए, बताए कि इनको ये पसंद है, ये पसंद है, और मैं पता था कि ये शायद कोई नहीं बनाएगा, जैसा माहौल है अभी देश में उसको देखते हुए, सब राइट ही राइट है, लेफ्ट रॉन्ग है, तो उस हिसाब से लगा था कि कोई बनाएगा तो है नहीं ये फिल्म, तो बट हरीश जी की कुछ मेरी तरह एक बार क्रैक हो गया सर के आदमी, तो उन्होंने बोला नहीं बनाएंगे ये फिल्म, बनाएंगे इसको, बनाते हैं। और फिर हमने दो तीन दिन काम किया, फिर कमीशन टचेस दिए और फिर ये सारी कास्ट को इकट्ठा करना, वो मेहनत या तो बस ये थी। तो ट्रेलर तो आपने देख लिया, मैं चाहूँगा खुद आप अपने मित्र साहब को बुलाएं। हाँ, हरीश भाई को बुलाता हूँ। प्रोड्यूसर साहब हरीश भाई, जोरदार तालियां। हरीश जी, आजकल स्टूडियो का जमाना है, बड़े बड़े लेबल आते हैं, फिल्मों को पैक करते हैं, बट कितना मुश्किल होता है इस तरह की फिल्म को इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के तौर पर पैक करना? मुश्किल तो होता है, मगर हमारा तो बरसों से, मेरे पापा के टाइम से चलता है कि हम लोग इंडिविजुअली प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसमें अपना खुद का डिसीजन रहता है कि हम जो चाहते हैं, कहीं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, तो किसी की मनमानी नहीं चलती और अपने हिसाब से अच्छी मूवी बना सकते। तो उसी तरीके की फिल्म को आपने बैक किया, राइट? चलिए, बिना देरी किए फिल्म की जो स्टार कास्ट है, बाकी स्टार कास्ट, उन्हें मंच पे बुलाते हैं। सबसे पहले प्रिय दोस्त जिशान कादरी, जोरदार तालियां इनके लिए। और मालवी प्लीज स्टेज पर आए, ये चेहरा आप ध्यान रखें, जब आप ये फिल्म देखेंगे तो कई बार आपको ये सोचने पर विवश कर सकती हैं। मालवी, आपसे शुरू करते हैं, कैसा रहा अनुभव होटल मिलन का हिस्सा बनकर? इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मूवी, आई रियली लाइक द सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स माय डायरेक्टर फॉर चूजिंग मी फॉर द स्क्रिप्ट एंड माय प्रोड्यूसर मिस्टर हरीश पटेल, ही हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन दिस फिल्म एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल माई को एक्टर्स, दीशान, Kunal and Jaydeep, who supported me. They are such a great, great actors. They are like from theatre background, so I'm like newcomer and they supported me so much in my scripts, in my dialogue delivery and everything. So overall, it was a great experience and I'm looking forward for the release. So thank you so much. Jishan bhai, jis tarike ka hotel hai, kabhi aise hotel se vaasta hua hai asal zindagi mein? यार कहाँ खेलवा रहे हो, क्या खेलवा रहे हो? नहीं, एक्चुअली कभी वास्ता नहीं हुआ है, क्योंकि सबको पता ही है, नॉर्मली मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, वासेपुर से, वहां पर ये चीजें नहीं होती, बाकी सब हो जाता है। तो सुनता हूँ, देखता था, आप यकीन करो, जब मैं दिल्ली पहली बार गया था तो आप सोचो कि वासेपुर से निकला हुआ एक लड़का दिल्ली पहली बार पहुंचा और कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए चला गया, और कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए जैसे ही घुसा तो मैं देख रहा हूँ एक लड़की सिगरेट पी रही है, तो आप समझ नहीं सकते मेरे अंदर में कितने थॉट चल रहे होंगे कि भाई मैं कहाँ आ गया। तो उसी हिसाब से जब मैं बॉम्बे उतरा और बॉम्बे में वही
लोखंडवाला बैक रोड और मलाड बैक रोड पे जो लड़के लड़की को बाइक लगा के, और ऐसा नहीं कि एक अनगिनत, तो पहले तो लगा कि कोई जुलूस है, फिर डेली देखते देखते समझ में आया कि नहीं भाई कुछ और ही है। तो ये सब यहाँ देखने को मिला। फिर सुनता था कि हाँ एंटी रोमियो स्क्वाड है, मेरठ में चूंकि पढ़ाई की है तो सुना ही है, पढ़ाई कहाँ की है, घूमते ही थे रोड वोड पे, मैंने एडमिशन ले लिया था मेरठ में तो पढ़ाई तो कभी की नहीं। तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी चीज़ थी कि यार मैं ऐसी स्क्रिप्ट में घुसूँ, थोड़ा सा पढ़ूँ, देखूँ, एक्ट करने को मिल रहा है, विशाल भाई ने मुझे चुना है, हरीश भाई का भरोसा है तो कुछ अच्छा करते हैं इस पे। तो मुझे एक दूसरी दुनिया भी समझ में आई जो होटल मिलन की दुनिया है। और मैं एक बार फिर से विशाल जी से जानना चाहूंगा कि कोई जो पार्टी है उसकी नीतियां होती हैं अलग अलग प्रदेशों में, जिस तरीके से पहले ही फ्रेम से मैंने देखा कि कहा जा रहा है कि जो मजनू पिंजरा कभी कभी बना दिया जाता है, कभी कुछ होता है, तो उन नीतियों पे भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं फिल्म के माध्यम से? जैसा मैंने पहले बोला कि एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है इस वक्त लोगों में कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी या किसी पर्टिकुलर सोच या पार्टी को सपोर्ट करना एक चीज़ है। मतलब जस्ट टू ऐड कि मेरा बैकग्राउंड, मैं कानपुर का ब्राह्मण आ गया हूँ और शायद काफ़ी मंदिर घूमा हूँ और काफ़ी कुछ पढ़ा लिखा है, एक RSS के स्कूल में पढ़ा हूँ 12 साल, सो ठीक ठाक अथॉरिटी है इस तरह के लोगों के बारे में। बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि जब आप कुछ चीज़ें देखते हो, इसका मैं 92-93 से मैं देख रहा था कानपुर में, दिल्ली में और लखनऊ में बहुत जगह, कि 14 फरवरी को ऐसा माहौल होता था कि पता नहीं क्या हो जाए, मतलब कहीं पे हस्बैंड वाइफ पीटे जा रहे हैं सोचते कि वो कपल हैं, कलकत्ता में भी हुआ हाल में इसका वीडियो भी आया था, कहीं भाई बहन पीटे जा रहे हैं गाजियाबाद में, मतलब एक ऐसा पूरा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि अगर ऐसा कुछ 14 फरवरी को हुआ या जनरली ऑन रोड उन्होंने ऐसा कुछ देखा तो वो होने नहीं रहे। तो इट्स वेरी क्लोज टू समथिंग जो पिछले 700-800 साल में इस देश में जिस तरह के चीज़ें हुई हैं उसका ज़्यादा असर है, ना कि हमारी उस सनातन धर्म सभ्यता का जिसके बड़े बड़े नमूने जगहों पे हैं। ताजमहल का विरोध है लेकिन खजुराहो के लिए कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, जन्माष्टमी है लेकिन कन्हैया जी की भी सेलेक्टिव बातें हमें पसंद हैं जो हमें सूट करती हैं और बाकी जो चीज़ें नहीं सूट करती हैं नहीं करती। कॉफी विद डी के दौरान आपको कई फोन्स भी आए अलग अलग जगहों से, चाहे तो इस फिल्म के लिए आप कितना तैयार हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो होनी ही है जिस तरीके से चीजें दिखाई गई हैं। हाँ, कंट्रोवर्सी की कोई तैयारी तो यार करते नहीं, उस बार की जो तैयारी थी पुलिस ने की थी, बॉम्बे पुलिस का मैं बड़ा धन्यवाद दिया मैंने, भाई 15 महीने मेरे साथ घूमे, मुझे झेलते थे किसी के डर से, और इसमें तो मामला घर का ही है तो देखते हैं, मतलब क्या बोलेंगे, पिक्चर है अच्छी है, देखो जाके आराम से, ऐसा कुछ नहीं, योगी जी भी बहुत बढ़िया आदमी है तो ऐसी बात। चलिए तो मेरे सवाल थे, अभी मैं अपने मीडिया के दोस्तों से चाहूंगा कोई माइक सर्कुलेट कर दे और जितने भी सवाल हैं आप फिल्म की टीम से पूछ सकते हैं। शूट विशाल, लाइक ही सेड ऑलरेडी कि कंट्रोवर्सी तो होगी फिल्म पे जिस तरीके से कॉन्सेप्ट है, सेंसर बोर्ड की तरफ से कितनी तैयारियां, क्योंकि उनकी तरफ से भी काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं सीन्स को लेके। बहुत फनी चीज है, मेरी कुंडली अच्छी है कि पहली फिल्म में भी सेंसर बोर्ड ने एक भी आपत्ति नहीं की थी, जो भी आपत्ति की थी वो दुबई बोर्ड और कराची बोर्ड ने की थी, सेंसर बोर्ड ने एक भी कट नहीं दिया था मुझे, और अभी भी हमारा प्रोमो कल हो गया, यूए होके आ गया है पर एक भी कट नहीं दिया हमें कोई भी, तो मुझे सेंसर बोर्ड से कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, अपने लोगों को कैसे हुआ क्योंकि कोई वल्गैरिटी है ही नहीं फिल्म, तो कॉन्ट्रोवर्शियल तो देखें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम जी, मेनली नज़र नहीं आ रही, रीज़न क्या है इसका? देखिए 4-5 लोग हैं फिल्म में, राजेश जी एक फिल्म शूट कर रहे हैं, करिश्मा कुछ शूट कर रही हैं इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ में, जयदीप साहब अपने गांव में है और हरियाणा में, और हम लोग काफ़ी ट्रेलर को पुश करते आए कि सबको लाया जाए, और हमने अभी प्रमोशन शूट किया है 7 दिन पहले जिसमें जीशान भाई, जयदीप, कुणाल, हम सब लोग थे, तो आज वो सिर्फ वही मुहूर्त की बात है, निकालना है ट्रेलर, 20 दिन में फिल्म आ रही है और ट्रेलर भी लोग देखते हैं आजकल यूट्यूब में। आपने रियलिटी में से कपल से मिलोगे जो आपको अपने इंसिडेंट बताए होंगे? नहीं, हम तो बहुत से मिले। अच्छा, जीशान भाई भी झूठ बोल रहे हैं, बहुत बहुत मैं गारंटी देता हूँ, जीशान भाई जयदीप ना मिलो मैं मानी नहीं।